फिनाइलेफ्रीन, ठीक है, देखो रेड कैप है इसकी, ठीक है, फिनाइलेफ्रीन, दिस इज ट्रॉपिकामाइड, इसकी भी रेड कैप है, दिस इज साइक्लोपेन, ये भी रेड कैप वाली है, और एट्रोपिन कहाँ गई, ये एट्रोपिन, इसकी भी रेड कैप है, ठीक है, ये दीज आर द साइक्लोप्लेजिक्स और मिट्रियाटिक्स, ये दो मिट्रियाटिक्स हैं, डायलेटिव फंडस एग्जाम के लिए यूज़ होती हैं, ये दो साइक्लोप्लेजिक्स हैं, डायलेटिव फंडस एग्जाम एंड साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन इन चिल्ड्रन, उनके लिए यूज़ होती है, ठीक है। उसके बाद दिस इज ब्राइमोनिडीन, ठीक है, ब्राइमोनिडीन है, दिस इज अल्फा एगोनिस्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी मैंने आपको बता दिया है, इंडिकेशंस भी बता दिए हैं, कंट्रा इंडिकेशन भी और साइड इफेक्ट्स, ठीक है। और इसके बाद दिस इज टीमोलॉल, ठीक है, बीटा ब्लॉकर है, बाकी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। उसके बाद दिस आर दी एंटी बैक्टीरियल, ओफ्लोक्सासीन है, ऑक्सीफ्लोक्सासीन, ये भी ऑक्सीफ्लोक्सासीन, ठीक है, दीज आर द एंटी बैक्टीरियल्स, और इनकी इंडिकेशंस मैंने आपको बता दी हैं। ये एक ड्रग है जिसमें एंटी बैक्टीरियल भी है प्लस स्टीरॉयड भी है, जहाँ पे आपको एंटी इन्फ्लेमेशन भी चाहिए और एंटी बैक्टीरियल एक्शन भी चाहिए, वहाँ पे आप इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, कम्बाइंड प्रेपरेशन है। दिस इज प्रोपैराकेन, प्रोपैराकेन ये इसकी बॉटल है, प्रोपैराकेन ये एनेस्थेटिक है, ठीक। और उसके बाद दिस इज डेक्सामेथासोन, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ठीक है, यूवीआईटिस वगैरह के अंदर आप इसको यूज़ करते हो, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो वहाँ पे यूज़ करते हो। ये नेपाफेनिक एसिड है, ठीक है, एनसेड है, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, जहाँ स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेशन चाहिए बट स्टीरॉयड यूज़ नहीं कर सकते वहाँ पे। दिस इज सिस्टेमिक कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, ठीक है, एसिटाज़ोलामाइड है, टैबलेट्स हैं, सिस्टेमिक कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, ठीक है, चलो और तो कुछ नहीं रहेगा। हाँ, ये फ्लोरिसिन स्ट्रिप्स हैं, फ्लोरिसिन स्ट्रिप्स की तीन यूजेस याद रखो, टू मेजर द इंट्राओकुलर प्रेशर, टू इवेल्यूएट द कॉर्नियल अल्सर, कॉर्नियल एब्रेशन, एंड टू इवेल्यूएट द एपिफोरम, एपिफोरम, ठीक है।